मध्य प्रदेश के शिवनी जिले में फसलों को नष्ट कर रहे टिड्डी दल की आमद जिले से होते हुए गांवों की ओर पहुंच गए हैं। ग्राम नमुनिया बकोड़ी ब्राह्मणबाड़ा शनिवार के शाम को ही टिड्डी दल का आगमन हो गया था। टिड्डी दल के किसानों की फसलों तथा पेड़ पौधों को बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सतत रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। टिड्डी दल को भगाने के लिए उप संचालक कृषि एस के ध्रुवे और तहसीलदार एसडीएम बंडोल पुलिस विभाग ग्राम पंचायत जमुनिया के समस्त कर्मचारी और ग्रामीण युवाओं के साथ ढोल और बाजों के साथ ध्वनि करके टिड्डी दल को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। टिड्डी दल द्वारा आम बेर बांस और सब्जियों को नुकसान पहुँचाया है। सिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। टिड्डी दल के लिए जो आप जिस आए हैं, किस तरीके से भगाया जा रहा है और कैसे व्यवस्था की गई यहाँ पे? क्या है कि इसको परंपरागत तरीके के अलावा जो है में जो दवाई डालते हैं इंसेक्टिसाइड, उसका भी छिड़काव किया जाता है। विशेषकर जो ये काफ़ी बड़ा दल है, ये करीब 11 से 12 किलोमीटर एरिया का दल था जो बालाघाट से कल इंटर किया था धारना में। धारना के बाद जो है धारना के पास से ये यहाँ पर आया है अपने बकोड़ी गाँव में। इसको परंपरागत तरीके से जैसे धुआं करें या हल्ला करें, बाजे ढोल मंजीजा वगैरह बजाए, तो इससे ये डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब होने के बाद इनकी जो ब्रीडिंग वाली जो क्षमता होती है जो वहाँ से हट जाती है, तो ये यहाँ से हटने के बाद जो है ये मूवमेंट करता है करीब एक दिन में करीब 80 से 130 किलोमीटर का मूवमेंट करती है। तो ये उपाय जो है कराए जा रहे हैं। यहाँ 3 बजे से सारे अधिकारी जो है कृषि विभाग, राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस विभाग भी यहाँ पर मौजूद है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।